जम्मू छत्तीसगढ़ के खबर, किसिम किसिम के मनोरंजन कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर फेसबुक पेज न्यूज 36 लाइव ला फॉलो कराओ और लाइक कराओ। जय जोहार। अब बेरा है प्रदेश भर के जम्मू खबर में फटाफट नजर दौड़ाए के तो देखो दनादन खबर के ठिकाना खबर हकन के। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 44वां वार्षिक कुलपति सम्मेलन में राज्यपाल हुई शामिल। कई कृषि ला व्यवसायिक रूप में अपनाए वाले युवा मल्ला करे जही प्रोत्साहित। पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक के बेटा हुई 4 करोड़ रुपया के ठगी के शिकार। जालसाज बन निजी कंपनी में शेयर होल्डर बनाए के झांसा दे के करीस करोड़ों के ठगी। धोखा होए के बाद थाना में दर्ज कराएगी शिकायत। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण मनों पर करे गए प्रकरण के वापसी करे गए शुरू। सीएम बघेल द्वारा आदिवासी उत्पीड़न ऊपर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए वापसी करे जाए के लिए गए निर्णय। कांग्रेस के भारत बचाओ आंदोलन पर दुर्ग ले सैकड़ों कार्यकर्ता मन दिल्ली हुई रवाना। केंद्र सरकार के नीति के विरुद्ध 14 दिसंबर के होना है रामलीला मैदान में रैली के आयोजन। प्रदेश में 7,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता होगी शामिल। संवाद में हुए टेंडर के गड़बड़ी का लेके ईओडब्ल्यू केस करीस दर्ज। ईओडब्ल्यू द्वारा प्रचार प्रसार कंपनी के खिलाफ दर्ज करे गए मामला। संवाद द्वारा नियम विरुद्ध कंपनी ला टेंडर करे रही जारी। शराब कारोबारी सुभाष शर्मा के ठिकाना में इनकम टैक्स के परिस छापा। कार्यवाही में संपत्ति के दस्तावेज के समेत 15 लाख से ज्यादा के नकदी करे गए जब्त। शासकीय अस्पताल के व्यवस्था में सुधार और कसावट लाए बर नवा व्यवस्था के करे गई तैयारी। जल्द ही ओपीडी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सेवा पर जारी करे जाही नवा टाइमिंग। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कतिले मिले व्यवस्था ला मंजूरी। नागरिकता संशोधन बिल ऊपर चलत बहस के बीच सरकार करी बड़का फैसला। संपत्ति पिसा के पाकिस्तान और बांग्लादेश लौटे वाले शरणार्थी मन के संपत्ति तलाशे बर सरकार दिस कलेक्टर मन ला निर्देश। रायपुर में भाजपा प्रत्याशी ऊपर कांग्रेस लगाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र देहे के आरोप। चुनाव पर गलत जानकारी देहे के नाम में एसपी लेकर गई शिकायत। राजधानी में हुए दोहरा हत्याकांड के मामला में हुई खुलासा। आरोपी साहब के मृतिका ले रही संबंध दोनों करे रही कोर्ट में शादी। बीच में फिर रिश्ता में आ गए रही दरार। छानबीन करके पुलिस आरोपी ला करी गिरफ्तार। रायपुर के दोहरा हत्याकांड मामला में आरोपी युवक युवती के कोई और संग टिकटॉक में वीडियो बनाए जाए लेके रही रोष। आरोपी द्वारा युवती ला पहली ले दिए गए रही से जान ले मारे के धमकी। घटना के दिन युवती के कमरा में पहुंच के उतारी मौत के घाट। नगरीय निकाय चुनाव के पहली कांग्रेस पार्टी में करे गए बड़का फेरबदल। कवर्धा में पांचवे दिन कांग्रेस ले निष्कासित करे गए कांग्रेसी नेता कन्हैया अग्रवाल के निष्कासन ला करे गए सर। संग निष्कासन के कार्यवाही करैया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकृष्ण साहू ला पदले हटा के राधेलाल भास्कर ला बनाए गए जिला अध्यक्ष। पामगढ़ क्षेत्र में न्यूज 36 खबर के होइस असर। क्षेत्र के घोड़ाखुरी गांव के स्कूल में पाछू 17 दिन ले लइका मल्ला नहीं मिलत रही से मध्यान्ह भोजन। न्यूज 36 में प्रमुखता ले खबर दिखाए के बाद विभाग आईस हरकत में। शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंच के दिस दिशा निर्देश। बलरामपुर जिला के वाड्रफ नगर वन क्षेत्र के गांव में फिर देखे गए हाथी के कहर। घर में सुते नाबालिग नोनी ऊपर हाथी हमला करके उतारी मौत के घाट। परिवार के सदस्य भाग के बचाई अपन जान। जगदलपुर में बोधघाट थाना के तीर कार शोरूम गैरेज में माढ़े कार में लगी आगे। तीन कार जर के हुई सराख। आगे में काबू पाए पर फायर ब्रिगेड ला करेला परी भारी जद्दोजहद। कंसोल और जनसंपर्क अधिकारी मन के खिलाफ धोखाधड़ी के करे गए केस दर्ज। कावर के इकर द्वारा L1 L2 कंपनी मन ला पेमेंट तो दूर काम तक नहीं सौंपे गए। 2016 ले 18 के बीच केवल कंसोल लही संवाद ले करे गए पेमेंट। रायगढ़ स्थित सिंगल पावर प्लांट में प्रोजेक्ट मैनेजर दहकत हुए फर्नेस भट्टी में जर के हो गए राख। पुलिस के अनुसार प्लांट के कर्मचारी मन भट्टी में कूद के आत्महत्या करे जाए के कहा के बाद जमशेदपुर झारखंड से आए परिजन मन घटना ऊपर सवाल खड़ा करत हुए पुलिस ले निष्पक्ष जांच करे के करे मांग। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ अपराध दर्ज करे बार ट्रक एसोसिएशन हा पुलिस विभाग ले लगाए है गुहार। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के थाना मार राखी के खिलाफ करे गए है शिकायत। दरअसल सोशल मीडिया में राखी सावंत द्वारा देश भर के ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मल्ला अनाचारी
दर्ज करे बर दिए है आवेदन। अभी भी रहे छोटकुन ब्रेक के, ब्रेक के बाद फिर लौटबो। तब तक आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। देखा था छत्तीसगढ़।